बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचनों विद नुज़हत। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बहुत मज़े की बिरयानी तैयार हो रही है, जो कि सिंधी बिरयानी पाकिस्तानी है। आपने इससे पहले ये बिरयानी नहीं खाई होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप भी बहुत इंजॉय करेंगे इसको बना के। तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में हाफ कप ऑयल प्लस 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। जो ही ये गर्म हो जाए तो इसमें 2 लार्ज साइज अनियन स्लाइस कटिंग करके डाल दें। और अच्छे से इसको भून लें, फ्राई कर लें। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए और अच्छे से कलर निकल आए तो आप इसमें से हाफ कप के करीब अनियंस को सेपरेट कर लें फॉर द गार्निशिंग। आप इसमें 1 kg चिकन के पीसेस डाल दें। मैंने चिकन को पहले से धो के अच्छी तरीके से साफ करके ड्रेन कर लिया था और चिकन बिल्कुल ड्राई थी, तो वो मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको हल्का सा ब्राउन कर लें ताकि चिकन जो है वो अपनी स्मेल ख़त्म कर ले और अच्छा सा कलर बन जाए। फिर इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें और फिर स्पाइसेस ऐड कर दें। स्पाइसेस में सबसे पहले 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दें। वन टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 teaspoon सफेद जीरा पाउडर, 1 teaspoon सूखा धनिया पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि सब मसाले जो हैं वो चिकन में मर्ज हो जाएं और अच्छी तरीके से भुन जाए। फिर इसमें साबुत गरम मसाले डाल दें, जिसमें साबुत सफेद जीरा, ब्लैक कार्डिमम, ग्रीन कार्डिमम, बे लीव्स, क्लोव्स, ब्लैक पेपर, दालचीनी की स्टिक्स और एक बादियान का फूल। ये सब चीज़ें डाल के अच्छे तरीके से इसको भून लें। साबुत मसाले बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं और बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू इन्हेंस होती है। जब मसाले भून जाएं तो इसमें 2 लार्ज साइज टमाटर चॉप कटिंग करके डाल दें और भून लें अच्छे तरीके से। टमाटरों का पानी निकलेगा, उसमें जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गलेगी। फिर इसमें हाफ कप फ्रेश योगर्ट ऐड कर दें। फ्लेम जो है वो आपने लो टू मीडियम रखनी है। चिकन को अच्छे से भून लें। इसमें 4 to 5 ड्राइड प्लम्स डाल दें। यहाँ पे ब्लैक कलर की अवेलेबल हैं इसलिए मैंने ब्लैक डाल दी हैं। इसमें साबुत धनिया और पुदीना डाल दें 3 टेबलस्पून चॉप करके, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी बिरयानी में। फाइव ग्रीन चिलीज ऐड करते हैं।
अच्छे से भून लें और लिड लगा दें ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। अब दूसरी तरफ एक पैन लें और उसमें 3 गिलास पानी डाल के उसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल के बॉयल कर लें। फोर टू फाइव मिनट्स के लिए हमने लिड लगा दी थी चिकन करी को, आप देख लें, चेक कर लें, माशाल्लाह से बिल्कुल ये रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। चेक कर लें, चिकन बिल्कुल गल गई है। अब इसमें 3 से 4 आलू बॉयल करके उसकी क्यूब कटिंग करके वो डाल दें, मैंने पहले से बॉयल करके रखे हुए थे तो मैं ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छे से चिकन के अंदर मिक्स कर लें ताकि आलूओं पे भी अच्छे तरीके से ग्रेवी का टेस्ट जो है वो लग जाए और ये अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। भून लें अच्छी तरीके से, ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है। अब आप फ्लेम को ऑफ कर दें और लिड लगा दें। चावलों का पानी बॉयल हो गया है, मैंने चावल 1 kg राइस को पहले से सोक करके रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल दें। सारे चावलों को अच्छे तरीके से डाल दें। हल्के हाथों से चमचा चलाएं ताकि चावल जो हैं वो टूटे नहीं। जब बॉयल आने लगे तो आप चावलों को चेक कर लें, अगर वो 1-2 जगहों से टूट रहे हैं इट्स मीन इसकी फ्लेम ऑफ कर दें और पानी ड्रेन कर लें और चावलों को एक तरफ रखते हैं। हाफ लेमन जो है वो आप स्क्वीज कर दें अच्छे तरीके से इसके अंदर। और मिला लें। चिकन में से थोड़ा सा हिस्सा जो है वो आधा चिकन जो है वो आप निकाल लें और बाउल में डाल लें फॉर द असेंबलिंग। फिर चावलों की लेयर लगा दें अच्छी तरीके से, सब तरफ इक्वली स्प्रेड कर दें। लीमू को गोल गोल काट लें और वो भी यहाँ पे लगा दें। फ्राइड अनियंस को सेट कर दें बीच में। अब चिकन की लेयर लगा दें। चावल की लेयर लगा दें, सारे चावल डाल दें।
चिकन लेयर लगा दें। फ्राइड अनियन लगा दें। लेमन लगा दें। व्यूअर्स जर्दे का रंग लगा दें, जितना आपको उसका कलर पसंद है आप उसके मुताबिक इसको स्प्रिंकल कर दें। अब लिड लगा दें और 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको स्टीम पे लगा दें और इसका जो होल है उसमें टिश्यू लगा दें ताकि स्मोक जो है वो अंदर ही रहे। अब जब आप चेक कर लें, माशाल्लाह से ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी है। व्यूअर्स, आई होप आपको ये मेरी सिंधी बिरयानी पाकिस्तानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। और व्यूज, मेरे चैनल किचन विद नुसरत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।